हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू चैनल जेएस कॉमर्स क्लासेस। ये वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का जो पेपर होने वाला है 27 अक्टूबर को, या अगर आप जब भी ये वीडियो देख रहे हो, अगर आपका कॉस्ट अकाउंटिंग का पेपर है, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन कौन सा है, जो मतलब दो या तीन अगर क्वेश्चन सॉल्व करके जाते हैं तो आराम से हम लोग पास हो जाएंगे। तो ये 10 से 15 मिनट का वीडियो होगा, आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। अगर ये देखने के बाद में जो मैं आपको बताऊंगा उतना सम किए, 101% बोलता हूँ आप पास भी होगे और अच्छे मार्क्स भी आएंगे। तो सबसे पहले आपके जो जितने भी मॉडल से मैंने लिख दिया हो, जैसे इसके पहले एक चैप्टर आपका और है, इंट्रोडक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, वो आपका थ्योरी चैप्टर है, तो उसमें से मैंने आपको कुछ बताया नहीं। और जो थ्योरी क्वेश्चन है उसके ऑलरेडी हम लोग ने एक सेपरेट वीडियो बनाए हैं, अगर आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ उस वीडियो को ज़रूर देखना, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। रिक्वेस्ट है प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना, मुश्किल से 4 सम भी करके गया ना, डेफिनेटली एग्जाम में आएगा और वही करके जाना है। सर आप सम भी करवाओगे क्या? देखो 15 मिनट में सम नहीं पॉसिबल है, लेकिन मैंने ऑलरेडी ना मेरे चैनल पे अगर आप लोग जाओगे सारे आपको सम मिल जाएंगे कॉस्ट अकाउंटिंग के, और कितने सम करना है वो भी मैं बताऊंगा। अगर उतना कर लिए 101% आप पास हो जाओगे, ठीक है। चलो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आपको देखा जाए तो मटेरियल कॉस्ट, सबसे इजीएस्ट चैप्टर इन कॉस्ट अकाउंटिंग मटेरियल कॉस्ट। अब इसमें ध्यान देना, 3 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। पहला है तुम्हारा ईओक्यू, क्या बोला मैंने, यह आपका 100% अगर आएगा तो सिर्फ 10 के लिए आएगा, 20 मार्क्स के लिए नहीं आएगा। फॉर्मूला है, मुश्किल से आपके बुक में 4 या 5 सम है, प्लस आपके जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हुए है। सर मुझे कहाँ मिलेगा, मेरे पास में बुक नहीं है, आपको मैं पूरा PDF सेंड कर दूंगा, जो भी आपके लास्ट 3 to 4 ईयर्स के क्वेश्चन पेपर थे विद सॉल्यूशन, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कर लो। फॉर्मूला याद करना है, सिर्फ क्या याद करना है, फॉर्मूला याद करना है, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना, हो जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ठीक है। देन मटेरियल टर्नओवर रेशियो, लास्ट ईयर नहीं आया था तो मुझे लग रहा है कि इस बार आने का चांसेस है, ठीक है। 10 मार्क्स का क्वेश्चन है, कभी कभी किस्मत बहुत अच्छी रहती है 20 मार्क्स के लिए भी आ जाता है, कंपनी के ऊपर डिपेंड रहता है। 2 कंपनी का आएगा तो हो सकता है शायद 20 मार्क्स का, या तो फिर फीफोर वेटेड का जो सम है आपको यूट्यूब पे बहुत मिल जाएगी। देखो मेरे पास में वक्त नहीं था, नहीं तो मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाता था, मेरे चैनल पर आपको ये सम नहीं मिलेगा, ठीक है। ये 3 क्वेश्चन करते हो तो डेफिनेटली आपको 10 मार्क्स के, या तो फीफोर वेटेड अगर आता है तो डेफिनेटली आपको 20 मार्क्स का सम रहेगा, वो बहुत इजी सम है डियर स्टूडेंट्स। फीफोर वेटेड, फिर से बोलो, फीफोर वेटेड कितने मार्क्स का सम है, ये आपका 20 मार्क्स का सम है दोनों। मटेरियल टर्नओवर रेशियो करते सिर्फ 3 ही सम है तुम्हारे टेक्स्ट बुक में, और जो एग्जाम में आ हुआ है सम वो करो बस, मतलब यहाँ से आपको 20 से 30 मार्क्स एकदम आसानी से मिल जाएंगे। फिर से सुनो क्या बोला मैंने, ईओक्यू का सम करोगे आधे घंटे के अंदर ये पूरा अच्छा टॉपिक क्लियर हो जाएगा। मटेरियल टर्नओवर रेशियो का वीडियो मैंने बनाया, वो देखो, एकदम इजी फॉर्मूला, 2 से 3 फॉर्मूला है, उतना तो करना पड़ेगा। फीफो का एक सम देखो, कोई भी अच्छे यूट्यूबर का देखो जहाँ से आपको सम समझना है, फीफोर वेटेड अगर दोनों आएगा तो 20 के लिए, ये तीनों नहीं आएगा, ईओक्यू मटेरियल टर्नओवर रेशियो आ जाएगा, फीफो और मटेरियल टर्नओवर रेशियो 2 क्वेश्चन पक्का आएगा, एक 10 के लिए एक 20 के लिए, क्या बोला, 10 मार्क्स के लिए और 20 मार्क्स के लिए, डन, खुश हुए, 30 मार्क्स आपके पॉकेट में चले गए, 101% क्वेश्चन आता है। देन लेबर कॉस्ट, अब लेबर कॉस्ट का भी ना आपका 10 मार्क्स का क्वेश्चन आता है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, जैसे उसमें ना तुम्हारा फॉर्मूले वाले सम से, मतलब लेबर कॉस्ट मतलब क्या होता है कि अगर आप अपने लेबर को कितना अमाउंट देना चाहिए, हर कंपनी सोचती है कि भाई मुझे कम पेमेंट में ज़्यादा काम करवाना है, तो ये सब फॉर्मूले तुम्हारे रोवेन सिस्टम, गैंट सिस्टम, देन लेबर कॉस्ट, ये ना तुम्हारे 3 से 4 फॉर्मूले वाले सम है। उसके बाद ना लेबर का ना कॉस्ट शीट है, मतलब एक लेबर को कितना पेमेंट करना है पूरा सम है आपके पास में, अगर टेक्स्ट बुक होगी तो अच्छी बात है, अगेन नहीं है तो PDF सेंड करूँगा उसमें देख लेना, ठीक है। यहाँ से भी आपको 10 से 20 ये ना बहुत छोटे छोटे सम है, सिर्फ फॉर्मूला याद करना, कुछ भी नहीं है, फॉर्मूला याद करो, फॉर्मूले में पुट अप करो, आपके पास में सम पूरा रेडी, डन। आगे बढ़ते, ओवरहेड, ये सम तो बहुत ही इजी भी है और हमेशा आ भी रहा है। प्राइमरी ओवरहेड, क्या बोला मैंने, प्राइमरी ओवरहेड, कोई भी
YouTube का फिर से बोल रहा वीडियो देखो, प्राइमरी ओवरहेड हर साल 20 मार्क्स के लिए आ रहा है। एकदम अच्छे से करो प्राइमरी ओवरहेड, 20 मार्क्स तुम्हारे पॉकेट में कोई भी नहीं छोड़ेगा आपको, 20 मार्क्स हो गया बस हो गया। अगर थोड़ा और एक्स्ट्रा करना है मशीन ओवरहेड कर लो, 20 मार्क्स मिल जाएंगे। मशीन ओवरहेड का भी सिर्फ फॉर्मेट है और याद हो जाएगा, बहुत सिंपल है, डन। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि तुमको कितना मार्क्स लाना है उसके हिसाब से सम करोगे। और प्राइमरी ओवरहेड मतलब वो डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर रहेगा, ठीक है। खाली आपको ये याद करना है कौन सा एक्सपेंसेस किस में जाएगा। फॉर एग्जांपल रेंट है तो रेंट कौन से रेशियो में जाता है आपका, रेंट जाता है फ्लोर में, तो रेशियो में बांटना है। बहुत ईजी तरीका, बहुत ईजी है। प्राइमरी ओवरहेड सम तो आपको करके ही जाना है, 20 मार्क्स का समय ये 10 मार्क्स का नहीं है मेरे डियर स्टूडेंट्स। तो चाहिए 20 तो ये सम कर लो, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के मैं बता रहा हूँ, ठीक है, जो 100% आएंगे ही आएंगे। मशीन ओवरहेड आपको 100% आता है, 10 मार्क्स का भी आता है, 20 के लिए भी आता है। आपको फॉर्मेट याद करना है और सम करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट शीट, इसमें ना तीन मेथड है, बेसिक वाला करके जाओ ईजी हो जाएगा। और कभी कभी क्या होता है कॉस्ट शीट के ऑप्शन में आपको कॉस्ट शीट आता है, तो ये चैप्टर को तो आप मिस मत करना, ये छोड़ दो। रिकंसिलेशन स्टेटमेंट नहीं करेंगे तो भी चलेगा, 1, 2, 3, 4 ये चार चैप्टर करो, जो जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया उतना ही करो। कॉस्ट शीट का सिंपल वाला मेथड करो, कॉस्ट शीट के ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाया है। पहले फॉर्मेट याद करो, प्राइमरी ओवरहेड क्या है वो पूरा याद करो, प्राइम कॉस्ट, डायरेक्ट कॉस्ट, ओवरहेड जितने भी अच्छे से याद करो। दो सम करके जाओ, 2 से 3 सम बेसिक वाले, ज़्यादा हार्ड नहीं, 100% यहाँ तक कि आप एकदम अच्छे से पास हो जाओगे। ये आपको 20 मार्क्स का सम आएगा, यहाँ से आपको 10 का आने का चांस ही नहीं है। तो 10 मार्क्स का आपको कहाँ से आ सकता है, ईओक्यू आएगा, लेबर से आएगा, और ये मशीन का आएगा। प्राइमरी ओवरहेड भी आपका 20 मार्क्स का सम है, लेंथी सम है, बोलने के लिए तो ईजी है लेकिन जब सम करोगे तो बहुत बड़ा सम होता है। तो ये था आपका कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये मत करो, स्किप कर दो तो भी आप पूरा पेपर लिख कर आओगे। अब आप ये वीडियो कब देख रहे होगे मुझे नहीं पता, एग्ज़ाम से 1 घंटे पहले, एग्ज़ाम से 12 घंटे पहले, या एग्ज़ाम के 1 महीने पहले, जब भी देख रहे हो मैंने आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया हो, इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 100% ऐसे आएगा, 10 मार्क्स 20 मार्क्स, ये आपको 20 मार्क्स के लिए आएगा। ऑप्शन में हो सकता है कॉस्ट शीट ही हो, तो इसके लिए बोल रहा हूँ कॉस्ट शीट को ना स्किप मत करना। कभी उसी के ऑप्शन में अगर कॉस्ट शीट आ गया तो फिर आपके 20 मार्क्स पूरे चले जाएंगे। लास्ट ईयर तो हो रहा था, शायद इस बार ऐसा हो सकता है कि कॉस्ट शीट के ऑप्शन में आपको यहाँ से क्या बोला हुआ है, प्राइमरी ओवरहेड आ सकता है, फीफो वेटेड आ सकता है। आगे तो आपकी किस्मत है, नहीं आए तो 20 मार्क्स पूरे चले जाएंगे। होप ये पूरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा आपको। इसके पहले ये सब समझ में आ गया ना, अब अपना एक बार वीडियो देख लेना पेपर पैटर्न का, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, पेपर पैटर्न के वीडियो देखो, उससे आपको डाउट क्लियर होगा कौन सा कितने मार्क्स के लिए आ रहा है, थ्योरी कितने मार्क्स के लिए आ रहा है। आ गया समझ में? अगर अभी भी कुछ डाउट है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन करो। और उम्मीद करता हूँ कल का पेपर जो आपका 27 अक्टूबर को पेपर होगा, सेम यही क्वेश्चन होगा जो जो मैंने बताया हूँ प्रीवियस ईयर। जो भी सम कर रहे हो ना, 4 सम करो, ज़्यादा नहीं करना है। फीफो कर रहे हो 4 क्वेश्चन करो, बस हो गया। मटेरियल टर्नओवर का रेशियो का कर रहे हो, 4 सम करो, बस हो जाएगा। और 4 सम कौन सा करना है, जो आपको एग्जाम में आ चुका है। सर टेक्स्ट बुक है, अच्छी बात है, नहीं है पीडीएफ मुझसे मिलेगा, टेलीग्राम ग्रुप पर ज्वाइंट हो जाओ या व्हाट्सएप पर ज्वाइंट हो जाओ। लेकिन ज्वाइंट होने से पहले आप मेरे फैमिली मेंबर बन जाओ। मेरे फैमिली मेंबर मतलब ये होता है आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, ना कि किसी का वेट करना। मोदी जी का वेट मत करो, डोंट वेट फॉर द मोदी जी, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ताकि हर काम हमको मोदी जी के बोलने पे नहीं करना है, जहाँ से मुझे बेनिफिट हो रहा है। ये वीडियो देखने के बाद में मुझे लग रहा है हाँ यार ये सब तो इतना ईजी है, सर से फ़ायदा हुआ, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, आने वाले जो भी पेपर रहेगा उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। होप अब ये पूरा आपके माइंड में समझ में आ गया रहेगा। ये चैप्टर स्किप कर दो, इसके ऑप्शन में ये चैप्टर आने ही नहीं वाला है। तो बाकी जितना मैंने बताया उतना करो। ओवरहेड तो 101% करके जाओ, फीफो एकदम 100% करके जाओ। ये ऑप्शन में कभी आता है कभी नहीं आता है, ये बहुत इजी सम। अगर ईओक्यू आ गया तो ये नहीं आएगा, अगर ये आ गया तो ये नहीं आएगा।
और यहाँ पर सिर्फ आपको फॉर्मूले वाले लगाना है, ठीक है, रोमन सिस्टम ये तुम्हारे टेक्स्ट बुक में हो गए, नहीं है तो मैं आपको सेंड कर दूंगा, व्हाट्सअप ग्रुप में ज्वाइंट हो जाओ। कॉस्टशीट फॉर्मेट याद करो, कॉस्टशीट फॉर्मेट याद करो, भूलो मत। ओके माय डियर फ्रेंड्स, सो वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, और जो भी टी वाई बी कॉम स्टूडेंट्स आपके फ्रेंड्स हो गए उन तक इस वीडियो को ज़रूर पहुँचाइए, शेयर कीजिए, ताकि इनको लगना चाहिए कि यार कॉस्ट में पास होना बहुत आसान है, सिर्फ यही क्वेश्चन आएंगे। ये 5-6 क्वेश्चन जो बताए ना, वही क्वेश्चन रिपीटेड होते हैं, कुछ भी नया नहीं आता है, बहुत ईजी है, प्रैक्टिस करो, आपका समय आपके पास में है। ओके माई डियर फ्रेंड्स, सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, फिर से अगेन बोल रहा हूँ, डोंट वेट फॉर द मोदी जी, ये डायलॉग एकदम अच्छा मुझे याद हो गया है, जस्ट चैनल को सब्सक्राइब करो जहाँ से आपको बेनिफिट मिल रहा है। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो, बाय बाय।